हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं ब्रोकली और हरा मटर की बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी। तो फ्रेंड्स, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। चूल्हे पर कढ़ाई रख देंगे, जब गर्म हो जाए तो उसमें 2 चम्मच सरसों का तेल डाल देंगे और तेल गर्म होते ही कटी हुई ब्रोकली डाल देंगे इस तरह से और 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ब्रोकली नहीं पसंद है तो इस तरह से बनाएंगे तो आपको ब्रोकली पसंद आ जाएगी। बहुत ही स्वादिष्ट बनती है फ्रेंड्स, बहुत ही पौष्टिक है, आप इस तरह से ज़रूर बना के खाइएगा। ब्रोकली हमारी फ्राई हो चुकी है, अब इसको हम लोग एक बर्तन में निकाल लेंगे इस तरह से। अब उसी कढ़ाई में 2 चम्मच तेल और डालेंगे सरसों का और गर्म होने के बाद 1 चम्मच जीरा डाल देंगे और उसको चटकने देंगे। जब जीरा चटक जाए तब 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल करके थोड़ा सा भून लेंगे इस तरह से। अब इसमें हम लोग 1 प्याज का पेस्ट डालेंगे। प्याज को मैं मिक्सर ग्राइंडर में पीस ली हूँ और उसको डाल करके भून लेंगे। 2 टमाटर, उसको भी हम लोग डाल करके भून लेंगे। टमाटर को भी मैं मिक्सर ग्राइंडर में पीस ली हूँ। 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच के लगभग गरम मसाला पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, इन सारे चीज़ों को डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे। गैस का फ्लेम लो रखेंगे। ये देखिए, 3 से 4 मिनट होने के बाद 1 कटोरी धनिया की पत्ती कटी हुई डाल देंगे और उसको भी अच्छे से सॉफ्ट कर लेंगे। ये देखिए, हमारी धनिया की पत्ती अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसमें हम लोग भुनी हुई ब्रोकली को डाल देंगे और हरा मटर डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट तक इसको भूनते रहेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा पानी डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ढक्कन लगा करके 7 से 8 मिनट लो फ्लेम पर पकने देंगे। ये देखिए, 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, हमारी ब्रोकली की सब्जी बहुत ही अच्छे से पक चुकी है। अब गैस का फ्लेम बंद करते हैं, ये देखिए, और गर्मा गर्म सर्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप जरूर ट्राई करिएगा। वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।